नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको जो ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ, ये 16-50-15 है। ये 52 HP श्रेणी में आता है। RC में आपको 50 HP का मिलेगा और अपनी श्रेणी में ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इस ट्रैक्टर के बारे में आपको उसका वजन, इसकी जो लंबाई है और PTU पावर है, टॉर्क, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहें भाइयों। ये जो डीलरशिप है, ये डीलरशिप नई पीलीभीत में खुली है। यहाँ पे आपको 16 के सभी ट्रैक्टर मिल जाएंगे और ये मॉडल आपको 16 के टायरों में मिल जाएगा। उधर दिखाओ ज़रा, वो मॉडल खड़ा है 16 के टायरों में, नया अभी आया है फिलहाल, ठीक है जी। ये भाई को 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर में आता है। और इसका जो फ्रंट लुक है, देख सकते हैं आप लोग, फ्रंट लुक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसमें आपको 4 लाइटें मिलती हैं, ये प्रोजेक्टर लाइटें हैं। काफ़ी ट्रैक्टर में देखा होगा आपने, LED लाइटें होती हैं, हैलोजन लाइटें होती हैं, लेकिन इसमें कंपनी ने प्रोजेक्टर लाइटें दी हैं। इनकी जो रोशनी होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, काफ़ी किसान भाइयों को लिए यूज़फुल होती हैं। और पास में ये जो लाइट दी हुई, ये सिग्नेचर लाइट है, ठीक है, तो ये भी किसी में नहीं मिलेगी आपको। ये काफ़ी अच्छी लगती है। ट्रैक्टर का जो फ्रंट लुक है, बिल्कुल एरोडायनामिक लुक के साथ में आता है, ठीक है जी। और इसमें जो कूलिंग है, 4D कूलिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, ठीक है जी। सिंगल पीस इसका बोनट दिया हुआ है, यहाँ से खुल जाएगा, बिल्कुल कारो वाला सिस्टम है भाइयों। इसका जो एयर क्लीनर, इसमें आपको ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है, ये बहुत कम चोक होता है, किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे, ट्रैक्टर की लाइफ भी ज़्यादा बढ़ती है। और 3 सेंटर में आता है, मैंने आपको बताया था। इसका जो टॉर्क है, 210 Nm का टॉर्क है। पावर स्टेयरिंग का पंप उधर दिखाओ ज़रा, पावर स्टेयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक का पंप दोनों अलग अलग होने वाले हैं। ये इसका अल्टरनेटर दिया हुआ है और पास में ही देख सकते हैं आप लोग, ये कूलेंट का सिस्टम दिया हुआ है। काफ़ी हैवी ट्रैक्टर है और कंपनी ने नए से नए इसमें बदलाव किए हैं। इसकी जो बैटरी है, ये अंदर आती है, Amaron की बैटरी मिलती है। बैटरी अंदर होने का फ़ायदा ये है, चोरी होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ये थ्रस्ट गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, रेडिएटर में कचरा वगैरह नहीं फंसेगा, धूल वगैरह रोकता है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है, ये अल्मोनियम के साथ में आता है, काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है जी। और इसका जो चूल्हा है, ये काफ़ी हैवी है, ट्रैक्टर पर आप लोडर डोजर फिट कर सकते हैं। 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, इनलाइन पंप के साथ में है, ठीक है। ये इसका पावर स्टीयरिंग का हो गया, इधर दिखाओ, पावर स्टीयरिंग का ऑयल इसमें अलग है, ठीक है जी। 3 सेंटर में 210 Nm का टॉर्क है सेक्टर का और सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है सेक्टर का। इसके जो आगे टायर हैं, 7-16 के आगे टायर दिए हुए हैं भाइयों। और ये इसमें देख पा रहा होंगे आप लोग, ये इसका हाइलक्स का बैटर सेपरेटर दिया हुआ है। E3 टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रैक्टर आता है, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें 5 साल की वारंटी है, तो इसमें आपको इंजन, गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक्स की वारंटी मिलती है, ठीक है जी। और ये ट्रैक्टर डूल किसके साथ में आता है, जो आपको PTU पावर मिलती है, इसमें आपको 45.86 HP की PTU पावर मिलती है। यानी कि इस ट्रैक्टर से आप 7 फीट से लेके 8 फीट का रोटावेटर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और बात करें रीपर के बारे में, तो 57 इंची का रीपर चलाएं या फिर 61 इंची का चलाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया था आपको, ये ट्रैक्टर डूल किसके साथ में आता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये फेंडर दिया हुआ है, तो इसका फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी किसान भाई देख सकते हैं आप लोग, अदर ट्रैक्टर में आपने देखा होगा, ट्रैक्टर पर चलते इस टाइप से चलते हैं, तो इसका पता क्या लॉस होता है। इसका लॉस ये होता है, काफ़ी समय बाद आपके ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग होता है, उसमें चाल आ जाती है, ठीक है। तो इसमें ये कंपनी ने किसान भाइयों का फीडबैक देखा और सुधार देखा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ठीक है जी। बाकी इसकी जो सीट है, काफ़ी बेहतरीन सीट है, एडजस्टेबल सीट है और ऊपर तक दी हुई है, जो आपकी फीट होती है उसमें दर्द नहीं होगा, काफ़ी कम्फर्ट मिलेगा आपको। इसका जो गेयर बॉक्स है, इसमें आपको 15 गेयर मिलते हैं, लो हाई रिवर्स, ठीक है। साइड शिफ्ट गियर के साथ में ट्रैक्टर आता है। और इधर इसके जो डैशबोर्ड है, काफ़ी डैशबोर्ड अच्छा दिया हुआ है। किसान भाई, उस ट्रैक्टर का जो डैशबोर्ड है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर, टाइम और स्पीड चार्ट, ऑयल मीटर, टेम्परेचर मीटर, सभी मीटर मिलते हैं, बिल्कुल कारो वाला सिस्टम दिया हुआ है। इसका जो स्टीयरिंग है, ये भी बहुत बेहतरीन होता है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। और इसमें सभी फीचर्स दिए हुए हैं जो किसान भाइयों को चाहिए। और इसके जो टायर हैं, इसमें आपको 14 के टायर मिलते हैं, आप चाहें तो 16 के टायर भी ले सकते हैं। 16 के टायर वाला भी ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है, इसमें आपको 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, ठीक है। पिछला हिस्सा काफ़ी हैवी दिया हुआ है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे डबल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और टॉप लिंक के लिए इसमें आपको 3 होल मिलेंगे, जैसे आपकी यहाँ की मिट्टी वैसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो फेंडर दिया हुआ है, ये मडगार्ड की सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। और ये रिफ्लेक्टर है, रात में वाहनों के लिए होता है, जो आपके पीछे से वाहन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रैक्टर में बोतल वगैरह रख सकते हैं। ये ट्रॉली में लाइट फिट करने के लिए हो गया, ठीक है जी। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर होने वाला है श्रेणी में। बाकी इसका जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी हैवी हुई है। आप इस ट्रैक्टर से खेती का काम करें या फिर
ट्रॉली का कोई भी काम करें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेफ्टी फीचर्स का काफ़ी कंपनी ने ध्यान रखा है ऑलरेडी। बाकी इसका जो हिच है ये कंपनी फ्रेंड हिच दिया हुआ है, काफ़ी मोटा है, ठीक है जी। और इस ट्रैक्टर की जो लंबाई है 3600 mm की लंबाई है, इधर दिखाओ ज़रा, ओवरऑल आप ट्रैक्टर की लंबाई दे सकते हैं, 3600 mm की लंबाई दी हुई है, ठीक है जी। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का जो ओवरऑल वेट है 23 क्विंटल 80 kg का वेट होने वाला है। तो भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको 16-50-15 ट्रैक्टर दिखाया भाइयों, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसे भी ट्रैक्टर लेना है यहाँ पे पीलीभीत में आ सकता है, इनका नंबर भी आपको मैं शो कर दूँगा, ठीक है जी। थैंक यू।